नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे युवा से मिलाएंगे जिन्होंने देश की पहली इको फ्रेंडली बाइक बनाई है। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे बाइक बनाई है। जी आप बताइए। ये मैंने सोच के बाइक बनाई है कि मतलब बहुत प्रदूषण होता है, ये होता है, तो फिर मैंने सोचा कि अरे ऐसा कुछ करना चाहिए जो दुनिया से कुछ अलग हो, तो इसलिए मैंने इसका साइलेंसर डिज़ाइन किया है और इसमें एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम और मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसको मैंने पूरा अपडेट कर दिया है। पहला अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी ये ट्रांसपोंडर शिप और फिंगरप्रिंट से स्टार्ट एंड स्टॉप गाड़ी होती है। उसके बाद इसमें मैंने इंजन का टेम्परेचर और अपना सारे गैजेट्स लगाए हैं जो कि हाईटेक हैं, और इसमें इमरजेंसी में हवा भरने का सिस्टम और कई अलग अलग सिस्टम है, और इसमें ट्रिपल कॉलिंग सिस्टम का भी ध्यान रखा है मैंने कि इंजन को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे नीचे सिस्टम बनाए हुए हैं। ये इसमें कंप्यूटर लगाया है मैंने जो कि लैपटॉप का मदरबोर्ड से पूरा कंट्रोल होता है इसका, इंजन का कंट्रोलिंग। इसमें सेंसर वगैरह सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से पूरा इलेक्ट्रॉनिक पे कर दिया मैंने कंप्यूटराइज। इसमें हर एक चीज़ पे सेंसर लगे हैं ताकि गाड़ी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे मोबाइल पे मैसेज अलर्टिंग में आ जाती है। इसकी हेडलाइट भी मैंने ऑटोमेटिक कर रखी है जिससे कि दिन में नहीं जलती है और नाइट होते से ऑटोमेटिकली लाइट चालू हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर इधर भी मैंने फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई है जिससे कि इंजन को कूल किया जा सके। इसमें ट्रिपल कॉलिंग सिस्टम है, इसमें लिक्विड कॉलिंग भी है, इसमें ऑयल कॉलिंग सिस्टम भी है, और इसमें एयर कॉलिंग सिस्टम भी है जो कि 60 डिग्री पे जाने पे ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। और इसमें मैंने हवा भरने के लिए एयर कंप्रेसर भी बना के लगा रखा है जिससे कि अगर गाड़ी कहीं पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो आप हवा भी भर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर ऑन स्पॉट पे। और ये स्पेशली साइलेंसर मैंने डिज़ाइन किया है जो कि इको फ्रेंडली है, इस बाइक को इको फ्रेंडली बनाता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा में घुलने से कम करता है। और इसमें बैक साइड में आप देखेंगे कि इसके अंदर मैंने एक वुमेन बॉडी सेंसर के साथ में एक कैमरा लगाया है कि जैसे मेरी मोबाइल से अगर मैंने गाड़ी लॉक कर रखी है तो उस कंडीशन में जैसे भी कोई भी मेरी गाड़ी के पास आता है तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और मेरे सिस्टम पे पहुँचा देता है। इको फ्रेंडली बाइक ऐसा ही, इसका साइलेंसर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे कैथोलिक फिल्टर लगा हुआ है जिससे कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो इसमें से अलग अलग हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ से जैसे जाता हूँ तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कि इसमें जो कार्बन के कण होते हैं वो अपने आप खिंच जाते हैं। और इस साइलेंसर के अंदर मैंने कुछ चैम्बर्स बनाए हुए हैं और उसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया, और इसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस सेंसर लगाया हुआ है जिससे कि उसकी मात्रा कितनी है वो मेरे कंप्यूटर को बताता है। और इसका जो मुझे PUC केंद्र पे मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला है इसका कि आपकी गाड़ी प्रदूषण नहीं दे रही है। आपको इस बाइक को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आइडिया आया आपको? ये मैं जेम्स बॉन्ड का बहुत फ़ैन हूँ और उनके जो गैजेट्स हैं वो मेरे दिल में रहते हैं, तो मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं भी ऐसे कुछ गैजेट्स, कुछ यूनिक चीज़ें बनाऊँ जिससे कि बिल्कुल एक अलग हो। तो मुझे क्या शुरू से अलग कुछ करने की इच्छा होती है, नया कुछ, नए नए इनोवेशंस वगैरह, तो मैंने सोचा कि यार कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। को लेकर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से आपने संपर्क किया है? नहीं, अभी तक मैंने किसी ऑटोमोबाइल कंपनी से संपर्क नहीं किया। कहीं पे प्रदर्शित की है बाइक ये आपने? नहीं, मैंने कहीं पे प्रदर्शित नहीं किया। कितनी लागत आई है बाइक की? बाइक की अराउंड, एक्चुअली मैंने अपने मतलब छोटे स्तर पे काम किया है इस पे, इसलिए मुझे लागत ज़्यादा लगी। अभी 1,20,000 के समथिंग इसमें अभी मेरे को खर्च आया है पूरा। आगे आपकी योजना क्या है? आगे मेरी यही योजना है कि देश को कुछ ऐसा कुछ देकर जाऊँ जिससे कोई मेरा इनोवेशन की, जिससे कि मेरे नाम अच्छा रोशन हो। दिलीप सेन के इंदौर के इस युवा ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ सुधीर शर्मा, वेब दुनिया न्यूज़।